हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं। आइए आज हम लोग कुछ और पैटर्न्स डिस्कस करते हैं। और पैटर्न्स के लिए मान लेते हैं कि हम एक बहुत सिंपल सा पैटर्न ड्रॉ करने वाले हैं। और ये सिंपल सा पैटर्न है जिसमें कि नंबर्स हैं और नंबर्स इस तरह से अरेंज हो रहे हैं, 6 देन 5 4 देन 3 2 1। इसको अगर आप सिंपल सी एनालिसिस करें तो इसमें ये ऐसा हो रहा है कि पहली लाइन में एक नंबर है, दूसरी लाइन में दो, तीसरी लाइन में तीन नंबर, लेकिन जो स्टार्ट हो रहा है नंबर वो 6 से स्टार्ट हो रहा है एंड देन 5 4 देन 3 2 1। इसका मतलब है कि घटते हुए क्रम में नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड करना है कि पहला नंबर क्या होगा। क्योंकि ये तीन रोज के लिए तो 6 होगा, लेकिन जैसे हम इसको तीन रोज से चार रोज में कन्वर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ऐसा होगा कि फर्स्ट रोज 9 10 9 8 10 7 6 5 10 4 3 2 1, ये चार रोज का बनेगा। तो इसमें जो पहला नंबर होगा वो 10 होगा। तो इसको या इस तरह के पैटर्न को लाने के लिए हमें सबसे पहले डिसाइड करना होगा कि हमारा पहला नंबर क्या होना चाहिए। तो इसके लिए अगर आप ध्यान से देखें कि अगर ये चार रोज का पैटर्न प्रिंट कर रहे हैं तो जो 10 है वो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का सम है। इसी तरह से अगर हमारा 5 रोज का होगा तो हम एक बार टेस्ट करते हैं। 5 रोज का मतलब 15 देन 14 13 देन 12 11 10 देन 9 8 7 एंड 6 एंड देन 5 4 3 2 एंड 1। इस तरह से हमारे नंबर्स आएंगे पैटर्न। जो पहला नंबर है वो 15 है। 15 एक्चुअली फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का सम है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि यूजर से इनपुट कराने के बाद हमें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना चाहिए। और लेट्स से हम k की प्रिंटिंग कराएंगे एंड k इज इक्वल्स टू n मल्टीप्लाइड विथ n प्लस 1 बाई 2। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो सम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि प्रिंटिंग n की करा सकते हैं। आई होप इस लेक्चर को देखने से पहले आपने मेरा पूरा प्रीवियस लेक्चर देख लिया है जिसमें हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि प्रिंटिंग कराने के लिए सबसे पहले आउटर रो हमें नंबर ऑफ रोज की प्रिंटिंग करता है और नंबर ऑफ रोज बताता है और इनर लूप हमें रो वाइज नंबर को प्रिंट करता है। तो अगर रो नंबर 1 है तो हमने इनर लूप को 1 तक ही चलाया। इसका मतलब क्या है कि अगर जे रो नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इनर लूप हमने जे टाइम्स चलाया। सिमिलरली जब हम प्रिंटिंग कर रहे हैं तो हमने इस वाले पैटर्न के लिए सबसे पहले k को प्रिंट किया है और k को प्रिंट करने के बाद k को डिक्रीमेंट कर देंगे जिससे कि प्रिंटिंग हमारी डिक्रीमेंटेड नंबर्स की। इसके साथ साथ हम एक काम और करते हैं कि स्लैश टी से टैब्स प्रिंट कर देते हैं। टैब्स हमें क्या बताएंगे कि नंबर बेटर तरीके से विजिबल हो स्क्रीन। रन करके देखते हैं इसको। मान लीजिए कि हमने 5 इनपुट किया तो आप देख सकते हैं ये 15 से स्टार्ट हो रहा है। और भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं इसकी। जैसे हमने इनपुट 7 किया तो आप देख सकते हैं कि नंबर्स घटते हुए क्रम में 28 27 26 25 24 23 और हर लाइन में उतने ही नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं जो 9 नंबर। इसके बाद मान लीजिए कि हमें एक पैटर्न प्रिंट करना है वो ऐसा है E D E C D E B C D E एंड देन A B C D E। तो ये जो प्रिंटिंग है इसमें आप ये देख सकते हैं कि जो लास्ट कैरेक्टर है हर लाइन का वो E। और हर बार हम क्या कर रहे हैं कि स्टार्टिंग कैरेक्टर हमें डिसाइड करना होगा कि कौन सा होना चाहिए। तो अगर पहला कैरेक्टर मेरा E है और बाकी का जो करेक्टर है हमें डिसाइड करना है या स्टार्टिंग करेक्टर हमें डिसाइड करना है कि वो क्या होगा, तो स्टार्टिंग के करेक्टर को डिसाइड करने के लिए ये काम करते हैं कि एक करेक्टर वेरिएबल ले लेते हैं एक्स जिसको कि ई से इनिशलाइज कर देते हैं। और उसके बाद हम एक काम करते हैं कि ई में रो नंबर -1 अगर हम कर दें या रो नंबर जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ई कैरेक्टर है और ई कैरेक्टर में हम सेकंड लाइन में वर्क करना चाहते हैं तो सेकंड लाइन में वर्क करने के लिए हमने रो नंबर इसमें से माइनस कर दिया। लेकिन अगर आप रो नंबर इसमें से माइनस करेंगे और पहली ही लाइन है तो ये डी दे देगा, इसलिए इसमें +1 कर दीजिएगा।
इससे हमें क्या होगा कि हमारा स्टार्टिंग वाला जो कैरेक्टर है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा हर रो। यहाँ हमने चूंकि रो नंबर जे माना है तो इससे आप माइनस जे कर दीजिए। यहीं से हम इस फॉर्मूला को कॉपी कर लेते हैं, और जैसे ही आप एक रो में एंटर करेंगे, पहला कैरेक्टर ये डिसाइड करने के लिए क्या होगा, आप एक फॉर्मूला लगा दीजिएगा। पहला कैरेक्टर एक्स इज इक्वल्स टू ई माइनस जे प्लस वन, तो इस केस में यहाँ से इनिशियलाइज भी करने की जरूरत है। और जो हम प्रिंटिंग करा रहे हैं वो प्रिंटिंग हम एक्स की कराएंगे, और एक्स की प्रिंटिंग को कराने के बाद, टैग्स की जरूरत नहीं क्योंकि हम अल्फाबेट से प्रिंट कर रहे हैं, एक्स की प्रिंटिंग को कराने के बाद एक्स को हमें अपडेट करना होगा, बढ़ाना होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पैटर्न के हिसाब से बढ़ते हुए क्रम में ही प्रिंट हो रहे हैं हमारे अल्फाबेट्स। एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमने किया क्या। यहाँ पे नंबर ऑफ रोज हमने यूजर्स इनपुट कराई है, और हर बार जब भी हम रो में एंटर करेंगे तो सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि पहला करेक्टर कौन सा होगा प्रिंट करने। तो ई माइनस जे प्लस वन हमने एक फार्मूला बनाया, इससे हमने पहला करेक्टर डिसाइड कर लिया। उसके बाद हमने एक्स को प्रिंट कराया, और हर बार एक्स को प्रिंट करने के बाद एक्स को इंक्रीमेंट कर दिया। रन करके देखते हैं इसको, इस पैटर्न को हमें हटाना पड़ेगा। मान लीजिए हमने 5 इनपुट किया, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वही पैटर्न प्रिंट हुआ जो हम लोगों ने अभी देखा था। और टेस्टिंग अगर आप इसकी करना चाहते हैं तो और इनपुट लेके देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमें 8 कैरेक्टर्स की प्रिंटिंग करनी है, 8 लाइन्स की प्रिंटिंग करनी है। सो दिस इज दी 8 लाइन। जो 6 लाइन ऑनवर्ड्स है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ इसलिए हुआ क्योंकि ए से पहले का कोई करेक्टर है नहीं, उससे पहले की जो आस्के वैल्यू होगी वो उसको यहाँ पर। तो आई होप आप उस पैटर्न को समझ पाए। आगे हम लोग और भी पैटर्न्स देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।